आचार्य रसराज मृदुल श्याम जी के नाम से जानते हैं सभी, और बनारस के हिंदू यूनिवर्सिटी से हमने संस्कृत से एमए किया, अभी पीएचडी रनिंग चल रही है। इसके साथ साथ हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आनंद बाबा जी महाराज, गंगा बाबा के नाम से जिन्हें जानते हैं, वो दीक्षा गुरु हैं, और श्री गोपालानंद जी महाराज हरिद्वार वाले, और महामंडलेश्वर स्वामी श्री लाडली दास जी महाराज, जिनसे मैंने संगीत की और भागवत की जो है बहुत अच्छी शिक्षा उनसे ग्रहण करी। और आज के समय में जो है श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत, श्री महापुराण आदि कथा, भजन संध्या आदि, इन सबके संस्कृत प्रोग्रामों के माध्यम से एक समाज में नई जागृति लाने का और कुछ हित करने का प्रयास जो है कर रहे हैं। हमारी अपनी संस्था सांदीपनि शिक्षा संस्थान जो चल रही है, जिसके माध्यम से अनाथ असहाय अनाश्रित बच्चों के शिक्षा का कार्य हम सभी करते हैं, जिसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और संस्कृत के सभी छात्र होते हैं। कुछ लोगों को अपने विद्यालय में शिक्षा दिलवाते हैं, जिनको बाहर लेना है उनको निःशुल्क रूप से संस्था की ओर से सारी व्यवस्था, उनकी रहना सहना, खाना पीना इत्यादि, शिक्षा आदि की सारी व्यवस्था करके उनकी शिक्षा। महाराज जी, हम बात करें तो अभी आप कहाँ तक, कितना समय हो गया आपको भागवत की कथा करते हुए, अब तक आप कहाँ कहाँ कर चुके हैं? श्रीमद् भागवत की कथा करते हुए मेरे को 12 साल पूरे हो गए, और सबसे पहले मैंने भागवत कथा गंगापुर सिटी राजस्थान से शुरू करी थी, और लगभग लगभग सभी भारत के प्रदेशों में कथा हो चुकी है, और लगभग करीब 400 से 425 के लगभग प्रोग्राम अनुष्ठान संपन्न हो चुके। आपने अभी तक अपना कोई लक्ष्य भी निर्धारित किया हुआ, अभी क्या है आपकी योजना? हमारी योजना यह है कि संपूर्ण भारत में ऐसे विद्यालयों की स्थापना करी जाए जिसमें गरीब, अनाथ, असहाय, निराश्रित जो बच्चे, जिनके माँ बाप पढ़ाने में समर्थ नहीं है, उनके बच्चे भी आज अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, और अच्छी शिक्षा लेकर के वो भारत के एक अच्छे नागरिक बनकर के समाज को सुधार सकें, और हमारा समाज, हमारा भारतवर्ष एक उज्ज्वल उसका भविष्य हो। बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा तभी हमारा भी जो है काम करना सार्थक होगा, तो इसी उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं। साथ में एक अभी आदमपुर गांव है जहां पर एक अनाथ असहाय निराश्रित गौओं के लिए भी हमने जो है प्रयास किया है, और गौशाला का निर्माण कार्य भी जो है सुचारू रूप से चल रहा है।